अलवर के बहरोज में पिछले कई दिनों से चल रहे जैन मुनि विवाद में नया मोड़ आ गया है। आज बहरोज ग्राम विकास समिति ने जैन मुनि पर गांव में अवैध कब्जे करने के आरोप लगाते हुए जैन मुनि को पाबंद करने बाबत जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जैन मुनि पावन सागर महाराज पर 20 मई को वन कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के चलते जैन समाज ने गुरुवार को अलवर में धरना प्रदर्शन कर जुलूस निकाला और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी वन कर्मियों को निलंबित करने की मांग की गई थी। वहीं शुक्रवार को बहरोज गांव के ग्रामीणों ने अलवर पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन एडीएम को सौंपा। इसमें मुनि पर गांव में जमीनों पर अवैध कब्जे किए जाने के आरोप लगाए गए। साथ ही वहां के पुराने किले जो सरकारी संपत्ति हैं उस पर भी मुनि द्वारा कब्जा कर लिए जाने की बात कही। इस दौरान बहरोज गांव विकास समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, बुजुर्ग, युवा लोग आए हुए हैं कि अभी पिछले कई दिनों से प्रकरण चल रहा है जैन मुनि का। जैन मुनि महाराज ने वहाँ ग्रामीणों की हवेली और जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। गाँव का माहौल बिल्कुल दहशत में है। जैन मुनि महाराज को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वरना फॉरेस्ट विभाग के किलों को, गांव की जमीनों को वो कैसे हड़प सकता है। इसके विरोध में आज ग्रामीण यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, जिससे ग्रामीणों के साथ न्याय हो सके और मुनि महाराज का पर कुछ पाबंदी लग सके।